आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार कहानी लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आप लोग सुने ही होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि औरतों के पास या लड़कियों के पास दिमाग नहीं होते, उनका दिमाग यहाँ होता है, दिखने में यहाँ पे नहीं होता है। कुछ लोग में हमारे पतिदेव भी हमको कहते हैं कि हमारे पास यहाँ दिमाग नहीं है, यहाँ पे हमारा दिमाग यहाँ पे है। तो मैं कहानी के माध्यम से आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हम लोग के पास दिमाग होता है लेकिन सबको दिखता नहीं है। एक औरत थी, वो भोलेनाथ की बहुत पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। तो उसकी पूजा से भोलेनाथ एक दिन प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए और बोले उससे कि तुम हमसे वरदान मांगो, एक वरदान मांगो। औरत बोली ठीक है, मैं एक नहीं मैं तीन वरदान मांगना चाहती हूँ। भोलेनाथ बोले तीन वरदान अगर तुमको चाहिए तो मैं तुमको एक शर्त है हमारी जिससे मैं तुमको वरदान दूंगा। तो औरत बोली ठीक है। तो भोलेनाथ जी बोले कि जो तुम मांगोगी उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। औरत कुछ देर सोची और फिर बोली ठीक है। भोलेनाथ तो इसलिए बोले थे कि वो औरत अपनी सास का नाम सुनकर मना कर देगी कि नहीं नहीं हमको एक ही वरदान चाहिए, तीन नहीं चाहिए। लेकिन औरत भी बड़ी चालू थी, वो बोली ठीक है। भोलेनाथ बोले चलो मांगो अपना वरदान। तो औरत बोली कि हमको बहुत सुंदर बना दीजिए। भोलेनाथ ने उसको सुंदर बना दिया और उसकी सास को उसका 10 गुना सुंदर बना दिया। तो औरत जो शंकर जी बोली कि दूसरा वरदान मांगो। औरत बोली कि मुझे ढेर सारा धन दौलत रुपया पैसा और गाड़ी बंगला दे दीजिए। शंकर भगवान ने बोला ठीक है और उसकी सास को उससे 10 गुना धन दौलत गाड़ी रुपया बंगला सब कुछ दे दिया। औरत बोली ठीक है। फिर शंकर भगवान बोले कि तीसरा वरदान मांगो। औरत बोली कि मुझे एक इतना छोटा सा हार्ट अटैक दे